दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे, जब आप मान लीजिए YouTube पे कोई ट्यूटोरियल देखते हैं या फिर किसी ऐप के बारे में देखते हैं या फिर कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको आपको फिर वापस में यूज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस ट्यूटोरियल को देखते हैं, उसके बाद आप जब उसको करने की कोशिश करते हैं तो आप आधा ही कर पाते हैं या फिर बीच में अटक जाते हैं कि यार उसके बाद उसने कौन सा ऑप्शन दबाया था या फिर क्या किया था। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आप फिर से उस वीडियो को खोलते हैं, उसके बाद आप फिर से अपना काम को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे में काफी देर हो जाती है। लेकिन जो ऐप की बात मैं आज करने वाला हूँ उससे क्या होगा, आप वीडियो भी देख पाएंगे और साथ साथ उस ट्यूटोरियल को आप कर भी पाएंगे। तो ये कौन सी ऐप है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए आखिरी तक और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रमोट हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जिस ऐप की मैं बात करने वाला हूँ उस ऐप का नाम है फ्लोट। तो ये ऐप क्या करती है कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज ब्राउज कर रहे हैं तो आप उसको कस्टमाइज कर देते हैं, उसकी जो विंडो है वो कस्टमाइज हो जाएगी और उससे क्या कर पाएंगे आप अपना नीचे काम करते रहेंगे। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस ऐप का फंक्शन क्या है। देखिए छोटी सी ऐप दिखने वाली है, ये क्या करता है, बहुत छोटा सा आपको स्क्रीन खोलता है, यहाँ पे ऊपर पे टॉपअप, यहाँ पे पॉपअप मेन्यू कहते हैं इसको, तो ये पॉपअप कर देता है स्क्रीन को और इसकी ऐप पूरी ऐसी ही है। अब यहाँ पे ब्राउजर इंटरफेस देख सकते हैं इसका, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस ऐप के मैं फंक्शन में आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस ऐप के फीचर क्या क्या है। तो जैसे मैं ये देखिए इसको ऑन करता हूँ तो ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। फिर ये यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, और यहाँ से आप कुछ भी ब्राउजर में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते हैं, तो जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आती है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी वीडियो आपको देखनी हो और आप यहाँ से वो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी ऐप है। अब मैं यहाँ चाहता था इसको कस्टमाइज कैसे करना है, छोटा बड़ा आप मान लीजिए इसको यहाँ पे साइड पे ऊपर पे ले जाना चाहते हैं तो ये देखिए ड्रैग कर सकते हैं इसको आसानी से आप, ठीक। और अगर आपको बड़ा छोटा करना है, ये देखिए और छोटा हो गया, ये देखिए यहाँ से वीडियो चल रही है, यहाँ से और बड़ा हो गया, तो सबसे आखिरी में सबसे बड़ा हो जाता है, आपको क्लिक करते हुए देखते रहना। ये देखिए बहुत सारे हैं ऑप्शन, ठीक। अभी यहाँ पे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है, अब यहाँ पे देखिए जो माइनस साइन बना है वो क्या करता है, वो यहाँ से क्लोज कर देता है विंडो को। मान लीजिए आप कुछ देख रहे हैं ऐसा जो आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आप सीधे माइनस दबा दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या देख रहे थे, तो ये यहाँ पे आप छुपा भी सकते हैं इससे। और यहाँ पे जो तीन डॉट है यहाँ पे देख लीजिए इनका, और डेस्कटॉप सेटिंग, तो यही है इसका फीचर और ये बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसको जरूर से लाइक करिए और प्रमोट कर दीजिए थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए प्लीज़ मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी कमाल की ऐप आप लोगों के लिए ले आऊँ। और उस घंटे को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ किसी नई ऐप के बारे में तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा पाएँ। धन्यवाद।